नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 के अपडेट आ जाने के बाद एंड्रॉयड वो डाटा के फोल्डर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसमें से जो भी है कॉपी नहीं कर सकते। तो आप किस तरह से कॉपी और कट कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। यहाँ से आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, आप दोनों में से कोई सा भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। जो पहले एप्लीकेशन का नाम है जो फाइल्स है, आपको ये सबसे छोटा एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस है, बस आपको यहाँ 3 से 4 KB का है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है वो ZRCUR है, उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जो भी यूज करना है, दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये भी छोटा सा एप्लीकेशन है, आपको इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जो फाइल वाला फोल्डर है, फाइल्स जो हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, इस तरह का एक जो है इसे आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन करोगे तो आपको यहाँ जो एंड्रॉयड वाला फोल्डर है आप से यहाँ से डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा जो डाटा OBB जितने भी सारी फाइल है उन्हें आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई सी भी फाइल आपको यदि कॉपी करनी है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दबा के रखना है, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसे कॉपी करना है या फिर मूव करना है, जो भी करना है आप उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ पर भी इस जो फाइल है उसे आपको यहाँ ले जाना है तो उस जगह पे आपको आ जाना। उसके बाद यहाँ पे कॉपी वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो फाइल है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की वजह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड्रॉयड 11 के बाद भी। उसके बाद हमारा दूसरा एप्लीकेशन है जो है ZRCUR। ZRCUR एप्लीकेशन ओपन को इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वाले फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ पे डाटा मीडिया जो भी आपको एक्सेस करना है उस पे जाना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, यूज दिस फोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है फोल्डर का अलाउ कर देगा यूज करने के लिए, जो डाटा फोल्डर हो गया या एंड्रॉयड फोल्डर। तो उस फोल्डर में आप जो भी आप फाइल जो है आपको जो भी कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो आपको यहाँ पे सारी फाइल मिल जाती है। ZRCUR की मदद से आप जल्दी से कोई भी फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो आपको उस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी पर कर देना है। कॉपी पर करने के बाद आपको जहाँ पे भी इस फाइल को पेस्ट करना है वहाँ पे चले जाना और फाइल को जो आप पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप दोनों एप्लीकेशन की मदद से एंड्रॉयड 11 के अपडेट आ जाने के बाद भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। किसी तरह की और प्रॉब्लम आ रही तो नीचे कमेंट कर देना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।